नमस्कार दर्शक बंधुओं, मैं दीपक होलीवाल। आप देख रहे हो लविंग लवबर्ड चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक हो गए, अपने अपनी फैमिली का खूब अच्छे से ख्याल भी रख रहे हो दोस्तों, और अपना बर्ड्स का। जैसे कि आपको गाइस ये लव बर्ड दिख रहे होंगे, इकट्ठे इसलिए बैठे गाइस क्योंकि इनकी कॉलोनी में कुछ परिंदे छोड़े हैं जो कि दूसरी वाली केज में थे, इसलिए ये गाइस इस टाइम यहाँ से इकट्ठे बैठ गया है। क्योंकि जब नया बंदा परिंदा जब मार इसके कॉलोनी में छोड़े जाते हैं तो वो उनके साथ गाइस थोड़ी बहुत फाइटिंग करते हैं, थोड़ी वो टचिंग में रहते हैं, फिर धीरे धीरे ये पुराने होते जाते हैं गाइस। उन फिर वैसे ही इनका रूटीन चल जाता है डेली, जो सबका एक दूसरे के साथ चलता है गाइस। ये इन्फॉर्मेशन देनी है तो यार प्लीज़ मेरे आप न्यू सब्सक्राइबर हो, और जो मेरे सब्सक्राइबर देख रहे हैं गाइस चैनल, और जो मेरे न्यू व्यूवर्स है गाइस, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए गाइस, और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे गाइस, और शेयर भी कीजिए। कमेंट में बताओ गाइस ये लव बर्ड कैसे लगे मेरे, और आप देख ही रहोगे इस टाइम गर्मी का मौसम हो रहा है, कभी बारिश आ जाते है कभी गर्मी आ जाते गाइस। बारिश वाले टाइम पे मैं मतलब चेंज करता होता हूँ क्योंकि ठंडा हो जाता है मौसम, और इससे ये होता है कि कहीं उनको परिंदों को ठंडा लग जाए, सुस्त ना हो जाए। अब क्योंकि अब समर का टाइम आ रहा है, विंटर ख़त्म हो रहा है गाइस, इस टाइम ही जो होता है बर्ड्स को परेशानी होती है, जिससे मौसम चेंज होने पे इनको फीवर भी हो जाता है गाइस। इसलिए गाइस ऐसे टाइम में ज़्यादा केयर करनी चाहिए, क्योंकि मौसम चेंज होने पे ही इनको परेशानी होती है। और आपको मैं दिखाता हूँ गाइस, मैं जो उस केज में थे छोटे केज में गाइस, एक पेड़ था वाइट का, नर था और मादी थी लोटिनो गाइस, आपको दिख रहा होगा ये मेल फीमेल थे गाइस, और इसका एक चिक से निकला था जो कि इन्हीं के बीच में बैठा हुआ है, ये क्रीम वाले के साइड में गाइस ये चिक से है। क्रीम के साइड में बैठा है गाइस, ये आला है। अब क्योंकि इसको इस टाइम छोड़ा है मैंने, थोड़ा बहुत ये सेल्फ सेल्फ भी हो गया है, खुद भी दाना पानी खाता है, और इसकी मादी नहीं है गाइस, दोनों मेल फीमेल। इनसे दो बच्चे दिया इस बार, इस फर्स्ट टाइम दिया है तो सेटलमेंट नहीं था, अब जो सेटलमेंट होएगा इस इधर इधर ही होएगा गाइस, ब्रीडिंग का जो भी। आपको मैं कुछ चिक्स भी दिखा देता हूँ गाइस, जिसमें से गाइस इसमें से एक चिक्स मर चुका है, मेरे पास 7 चिक्स निकले थे गाइस, जिसमें से 2 चिक्स मर गया, और इस पेटी में भी एक मादिन थी जो अपने बच्चों को बड़ा कर रही थी, मगर यार वो बीच में अपने बच्चों को खाना नहीं खिलाती थी, इसलिए मैंने वो बच्चे इधर पोस्टिंग कर दिया है। और साली मटकी में भी एक था चिक्स, वो मर गया, क्योंकि जो नर मादा होता है वही चिक्स पाल पाते हैं, ना कि जो फीमेल वगैरह अकेले अंडे दे जाती है, क्योंकि उनका मेल है होता है उनका साथ नहीं देते हैं, बस उनके साथ ब्रीड करके छोड़ जाता है गाइस, मीटिंग करके छोड़ जाता है, वो खुद ही संभालते हैं, जो मादिन होते हैं वो खुद ही संभालती है चिक्स को, मगर वो पाल नहीं पाते गाइस, उस बच्चा तो निकाल देती है अंडों में से, मगर वो डिपेंड नहीं होती कि इस बच्चे को बड़ा किया जाए, ज़्यादातर केस में यही लगाया है। थोड़े दिन के बाद वो बच्चों को दाना खिलाना बंद कर देती है, जिससे बच्चे एक्सपायर भी हो जाते हैं गाइस,
ये दिख रहा होगा चिक्स है ये, और इसको थोड़े दिन परेशानी होगी, उसके बाद सेटलमेंट होएगा। ऐसे मैं चिक्स बढ़ाता रहूँगा गाइस, जिससे नेक्स्ट सीजन में मेरे को काफ़ी अच्छी कॉलोनी देखने को मिलेगी और आपको भी गाइस, क्योंकि अभी तो मैं मटकी इसलिए नहीं हटा रहा क्योंकि इसमें चिक्स है। अगर इसमें जो चिक्स है वो भाई, वो जो दूसरे पेड़ होते हैं वो इस चिक्स में जा जाके उन चिक्स को मारेंगे, क्योंकि उनको मटकी अगर इस कॉलोनी में नहीं मिली तो, क्योंकि यहाँ कॉलोनी में जो मटकी लगी है इनमें किसी में कोई अंडे बच्चे नहीं है, बस इसी में है गाइस मेरा वो चिक्स। इसको थोड़े दिन परेशानी होगी, तब इसको घेर घेर के मारेंगे गाइस थोड़ा बहुत, उसके बाद सेटलमेंट हो जाएगा इनका। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन प्रेस करना, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए गाइस, और ऐसे तमाम मैं वीडियो लाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।